मैं हूं त्रिशला यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास सेगमेंट में, जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के 75 बड़े जिलों के 75 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। तो रुक करते हैं खबरों का। यूपी में कोरोना की चौथी लहर की आहट, 113 दिनों में 3000 के पार हुए एक्टिव केस, 7 दिनों में 185 बड़े मरीज। अलीगढ़ टप्पल कांड के एक सप्ताह पूरे रहेगा हाई अलर्ट, जुमे को देखते हुए पुलिस रहेगी दुगनी अलर्ट। अयोध्या में राम की पैड़ी में किस करने पर केस की मांग, करड़ी सेना ने कहा कपल पर एफआईआर हो, नहा रही महिलाओं के कहने पर पीछा था। सुल्तानपुर में युवक की मारपीट कर हत्या मामूली, कहा सुनी में अंजाम पाई हत्या, नशे के कारण बढ़ा विवाद। अंबेडकर नगर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, डबल डेकर बस चालकों पर युवक की पिटाई का आरोप। भारत बंद को लेकर बुलंदशहर से ट्रैफिक डायवर्जन कलेक्ट्रेट पर जुट सकते हैं प्रदर्शनकारी, आधा दर्जन रूट में बदलाव। फरुखाबाद लोहिया अस्पताल में खून बेचने का सौदा, एक यूनिट खून 9000 रुपए में हुआ तय। बाबा बिरयानी हाउस पर जल चलेगा बुलडोजर, मालिक मुख्तार बाबा सहित 26 के खिलाफ 3 एफआईआर, राम जानकी मंदिर तोड़कर खड़ा किया गया था रेस्टोरेंट। 3 जुलाई तक यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान, एक बार फिर ओबीसी चेहरा पर पार्टी लगा सकती है दांव, जानिए इसकी दो बड़ी वजह। मेरठ में कांवड़ यात्रा पर देहरादून में हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा व्यवस्था के साथ ट्रैफिक प्लान पर होगी चर्चा। बरेली में 11 से 17 अगस्त तक मनेगा आजादी का अमृत महोत्सव, सरकारी हॉल के साथ प्राइवेट सेक्टर में फहराया जाएगा तिरंगा। पीलीभीत में दुष्कर्म पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर खाया जहर, 24 घंटों में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। संभल में गैंगस्टर की 86 लाख की संपत्ति जब्त, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई, मकान को किया गया सील। गौतमबुद्ध नगर में कंपनी के सामने से स्कूटी चोरी, स्कूटी स्टार्ट ना होने पर बाइक से धक्का मारकर चुरा ले गए चोर। अमरोहा में शर्ट का फंदा बनाकर युवक ने लगाई फांसी, शराब पीने को लेकर पत्नी से होती थी कहा सुनी। जलौन में ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर, उछलकर खंती में गिरा मोटरसाइकिल सवार, युवक की मौके पर मौत। रायबरेली में सड़क पर चहल रहे गोवंश, जिले में करीब 72 गौशालाओं पर खर्च होते हैं करोड़ रुपए, व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। 84 में गैंगस्टर पिता पुत्रों की 88 करोड़ की संपत्ति को, बुलेट बाइक मकान और 4 हेक्टेयर कृषि भूमि जब्त। बदायूं में भाजयुमो में मंडल उपाध्यक्ष पर वसूली का मुकदमा, 3 अन्य लोगों के नाम पर भी एफआईआर में शामिल। अमरोहा के गजरौला में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, उर्स देखकर लौट रहे बी फार्मा के छात्र की मौत। गोंडा में बोले ब्रजभूषण, शरद सिंह मुझे ही बना दे महाराष्ट्र का सीएम, राहुल गांधी पर भी बरसे। बरेली में दुष्कर्म के मामले में नहीं किया समझौता तो उतार दिए मौत का घाट, बेटे ने भागकर बचाई जान। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और सीएम योगी के चुथड़े उड़ाने की धमकी, भीम आर्मी का सोनू गिरफ्तार। ब्रांच चेयरमैन अनिल अंबानी और अन्य पर दर्ज हुए केस, सीबीआई जांच कराने की याचिका दाखिल। अलीगढ़ एएमयू के छात्रों से हाथापाई के आरोप में आरपीएफ का दरोगा और सिपाही सस्पेंड, ट्रेन का टिकट को लेकर हुआ था हंगामा। कानपुर में जुमे पर फिर हाई अलर्ट, छावनी में तब्दील हुआ कानपुर, 3 किलोमीटर का इलाका मेरठ सहारनपुर समेत 8 शहरों में आरआर एफपीएसी तैनात। लखनऊ के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी का ड्राइविंग लाइसेंस निकला फर्जी, 20 साल बाद हुआ खुलासा। इटावा में ट्रेन से कटा एयरफोर्स का जवान, इटावा में मानपुरी रेलवे फाटक के पास खड़ा था, ट्रेन की चपेट में आया। लखीमपुर खीरी 10 की मौत, दहली छोटी काशी परिवार के 9 सदस्यों की एक साथ उठी अर्थियां, दिलशाद मस्जिद के हाफिज से बना था ड्राइवर।
अमेठी में ट्रेन लेकर जा रहे लोको पायलट की मौत, इंटरसिटी लेकर जाने वाले पायलट की अचानक बिगड़ी तबीयत। अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट पर संयुक्त किसान मोर्चा ने अग्निपथ योजना के विरोध में किया विरोध, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। अररिया में बंद पड़े घर में चोरों ने बोला धावा, नकदी सहित लाखों के जेवरात पर किया हाथ साफ। अयोध्या में डबल मटर से मचा हड़कंप, सरस्वती ज्ञान मंदिर के पीछे गड्ढे में दो युवकों का शव बरामद। बलिया में अग्निपथ योजना के विरोध में किसान मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। गाजीपुर में सामूहिक विवाह योजना पर बजट की मार, 54 बेटियां को नहीं मिली आर्थिक मदद, 10 जून को हुआ था सामूहिक विवाह। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में डॉक्टर की कोठी में लगी आग, 13 लोगों को किया रेस्क्यू। गोरखपुर में सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या, मंडी से सब्जी लेकर जा रहे थे घर, बदमाशों ने सीने में मारी गोली। शामली में किसानों ने की अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग, नौजवानों के हितों में नहीं है योजना। कुशीनगर में पत्नी ने पत्नी और बच्चों को जिंदा जलाया, पत्नी की मौत, दो बच्चों की हालत गंभीर। देवरिया में किशोर की गला रेतकर हत्या, हाथ पैर की उंगलियां काटने के बाद शव सड़क किनारे फेंका। जमीयत उलमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई, 19 जून तक टली बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में 4 की मौत, 20 लोगों की हालत गंभीर। लखीमपुर खीरी में प्रिंसिपल ने महिला टीचर को जूतों से पीटा, वीडियो वायरल, 10 मिनट लेट आने पर लगाई एब्सेंट। संत कबीर नगर में अवैध बालू खनन जारी, खनन माफिया प्रशासन की मिली भगत से कर रहे हैं अवैध खनन। वाराणसी में पीएम के संसदीय कार्यालय पहुंचे कंप्यूटर ऑपरेटर्स, बोले हमारे अच्छे दिन क्यों छीने जा रहे। मथुरा के बांके बिहारी का दर्शन करेंगे राष्ट्रपति, सोमवार सुबह 10:05 से 10:45 तक बांके बिहारी मंदिर में आम भक्तों को नहीं मिलेगी एंट्री। चंदौली के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में नाबालिग से रचाई दूसरी शादी, पत्नी ने की शिकायत तो वीडियो के उड़े होश। कानपुर की मस्जिदों से अग्निवीर बनने की अपील, मौलाना ने कहा बेरोजगार मुस्लिम नौजवान अग्निवीर बने। यशवंत सिन्हा हो प्रेसिडेंट, सपा की मुहर, सांसदों विधायकों ने अखिलेश की मौजूदगी में प्रस्ताव पर किए सिग्नेचर। मुरादाबाद में अयोध्या के कारीगर की सड़क हादसे में मौत, रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत में 10 यात्री घायल। बागपत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं रिटायर्ड फौजी, डीएम को सौंपा ज्ञापन, बोला आम आदमी के पास हो प्रस्तावक बनाने का अधिकार। आगरा के ओमशी अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से महिला को फेंका, महिला के दोनों हाथ रस्सी से बंधे थे, प्रेमी की हत्या का भी प्रयास। हरदोई में छापेमारी में कर्मचारी के घर में मिली 2 बोरी बिजली मीटर, एसी ने दर्ज कराई एफआईआर। सुल्तानपुर में रॉन्ग साइड से जा रहे बाइक सवार छात्र को रोडवेज बस ने मारी टक्कर, 3 की मौत। बागपत पे पेड़ से लटकता मिला कैंटर चालक का शॉल्स, टर्न्ड पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के किनारे की आत्महत्या। प्रतापगढ़ में एक धक्के से गिर गई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की दीवार, शिकायत मिली तो जांच करने पहुंचे सपा विधायक। गौतम बुद्ध नगर के बारे में पार्टी कर रहे युवकों ने की मारपीट, मैनेजर ने समझा बुझाकर बाहर भेजा, फिर मारपीट की आंख के नीचे की हड्डी टूटी। जौनपुर में 5000 ड्राइविंग लाइसेंस लंबित, 20 सितंबर तक स्लॉट फुल, परमानेंट डीएल के लिए लंबा इंतजार। गोंडा सड़क किनारे मिली युवक की लाश, 3 दिन पहले दोस्तों के साथ निकला था घूमने, मोबाइल बंद होने पर परिजन कर रहे थे तलाश। पीलीभीत में अग्निवीरों के लिए पेंशन छोड़ो, सांसद और विधायक वरुण ने सरकार को से किया सवाल, राष्ट्र रक्षकों को पेंशन नहीं तो जनप्रतिनिधियों को क्यों मिले।
वाराणसी में संपूर्णानंद विवि के अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी एफआईआर, शासन से मिला आदेश। गोरखपुर में सीएम सिटी की सुरक्षा के लिए पुलिस ने बनाया हाईटेक प्लान, हर मोहल्ले में लगाएगी सीसीटीवी कैमरे। सहारनपुर में दुष्कर्म मामले में फंसी हाजी इकबाल का पूरा परिवार भाई महमूद अली के खिलाफ भी केस दर्ज। अलीगढ़ में 22 साल बाद धुले नाबालिग पर लगा दुष्कर्म का कलंक, 38 की उम्र में किशोर न्याय बोर्ड की किया पारी। कानपुर के बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने केडीएवीसी पर लगाया आरोप, मुख्यमंत्री से की शिकायत। गौतमबुद्ध नगर ने ग्रेटर नोएडा में अंतरिक्ष बिल्डर के दो कार्यालय सील, रेरा का 6,70,00,000 बकाया होने पर एसडीएम ने कार्रवाई की। नाव में सांप लेकर अस्पताल पहुंचा पति, बोला डॉक्टर पूछते हैं किस सांप ने काटा इसलिए लाया। चंदौली में ईंट भट्टा संचालक ने पाट दी नहर, 200 एकड़ खेत की सिंचाई, प्रभावित ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। गाजियाबाद मंदिर का पुजारी बनने के लिए चुराई मूर्ति और आंखें, आरोपित चाहता था, चोरी के शक में पुजारी हटाए। हमीरपुर में सट्टे का पैसा चुकाने के लिए भाई का किया किडनैप, 2,85,000 रुपए हार थे युवक। ललितपुर में पति ने पहले कुल्हाड़ी से काटा फिर शव को जलाया, आरोपी गिरफ्तार। मैनपुरी में मिले 4,000 साल पुराने हथियार, खेत पर टीले की खुदाई में निकले कॉपर एज के बताए जा रहे। सिद्धार्थनगर में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन, किसानों ने वापस लेने की मांग की, कहा विधायक और सांसद होने पर नेता लेते हैं डबल पेंशन। उन्नाव में मरीज भर्ती कराने के लिए भिड़े दलाल, जिला अस्पताल में बैठे रहते हैं निजी अस्पताल के ब्रोकर, पुलिस बनी रहती है मूक दर्शन। गाजियाबाद में करंट से सुरक्षाकर्मी की मौत पर हंगामा, सोसाइटी के बेसमेंट में भरा था पानी, मोटर चालू करते ही दौड़ा करंट। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस